नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर उत्तराखंड अपडेट में। और आज हम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर खुईतर नाम के गांव में आए हैं। गांव का नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। तो जैसा कि आपने अभी अभी गांव का नज़ारा देखा, ये बहुत ही खूबसूरत एक गांव जो कि डेवलप किया गया है इस गांव के ग्राम प्रधान जी द्वारा। ग्राम प्रधान जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, प्लीज़ आइए। ग्राम प्रधान जी सिर्फ ना कि इस ज़िले के लिए बल्कि और ना सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आप एक मिसाल बन चुके हैं। आपको कैसी अनुभूति अभी होती है जब भी आपके गाँव के बारे में तारीफ़ें करते हैं लोग? सबसे पहले मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह सोन, ग्राम प्रधान खुईतड़, और मैं 2014 में ग्राम प्रधान बना ग्राम पंचायत खुईतड़ से। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत के सभी मेरे बुजुर्गों का, मेरी महिलाओं का, मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे मातृशक्ति है, सबका मैं सबको पहले प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं ग्राम प्रधान बना। इस गाँव का ग्राम प्रधान बनने का मुझे जो सौभाग्य मिला और जो सबसे पहले मैंने सोचा था कि इस गाँव में कुछ काम कर दिखाने का मेरा एक संकल्प लिया था मैंने, तो उस संकल्प को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इन कामों को आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे भी पूर्व जो ग्राम प्रधान थे उन लोगों ने कुछ काम किए थे इस गांव में, अच्छे काम किए थे, तो उनके काम को भी मैंने आगे बढ़ाने का एक काम किया है। तो देखो, अगर कुछ कर दिखाने की आपको हिम्मत हो तो सबसे पहले आपने दृढ़ संकल्प से काम लेना पड़ेगा कि आपने काम करना क्या है। मैंने सबसे पहले ग्राम प्रधान बनते समय मेरे लिए सबसे बड़े, देखो, गांव बिखरा हुआ गांव था। इस गांव का नाम बड़े बहुत बड़ा नाम था लेकिन इस गांव में काम कुछ नहीं थे। ना हमारे पास इंटर कॉलेज था, ना हॉस्पिटल था, ना पानी की कोई व्यवस्थाएं थी, ना रास्ते थे, ना खेल मैदान था। हमारे लड़के जो भी थे खेल मैदान हमारे खेतों में खेला करते थे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस गाँव को मैं आगे बढ़ाऊँ और इस गाँव के लिए एक निष्ठा से, सच्चे निष्ठा से मैं काम करूँ, इस गाँव के लिए काम करूँ और आने वाले समय को जो नए प्रधान हैं उनको भी कुछ सीख मिले इस गाँव से। एक मेरा यही संकल्प था कि मैंने इस गाँव को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम करके मैंने सब कुछ अपना त्यागना पड़ा, मैंने इस गांव को काम आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज जो ये रास्तों में लाइटें लगी हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार जताऊंगा हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल, हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक विभाग हमारे पिथौरागढ़ का, क्योंकि उनके सौजन्य से हमारे गांव में ये रास्ते का निर्माण हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं था हमारे पास, तो इसी माध्यम से हमने इसमें रेलिंग और लाइटें लगाई। इसके लिए अभी हमारे पास सुविधा तो नहीं है, मैंने अपने घर से लाइटों का बिल मैं अपने घर से दे रहा हूं और आने वाले समय में मैंने जिलाधिकारी महोदय से इसमें प्रार्थना की थी कि मैं मेरे गांव में सोलर पावर प्लांट लगाया जाए, जिससे कि क्या गांव के, मैं आज 7 महीने 8 महीने बाद तो मैं ग्राम प्रधान नहीं रहूंगा, तो उसके बाद जो भी नया ग्राम प्रधान आए उसके लिए सरल हो जाए कि उसके लिए सोलर पावर प्लांट लगेगा, तो उसमें ऐसा होगा कि क्या कहते हैं उसको घर से बिल नहीं देना पड़ेगा और ग्राम पंचायत से भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसमें सोलर पावर प्लांट मिल जाएगा, तो इन रास्तों कि जो भी लाइटें हैं वो सुचारू रूप से जल पाएंगी। और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद इस क्षेत्र में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मैंने सुना कि इस क्षेत्र का सोनपट्टी कुईतड़ में एक नौजवान, एक युवा उभरते हुए ग्राम प्रधान श्री श्याम सुंदर सिंह सोन जी के नेतृत्व में इस गांव का आज जो विकास हो रखा है, जो इस गांव को विकसित किया गया है। इससे पहले भी इस गांव से एक युग पुरुष रह चुके हैं, इस गांव से कहें या इस क्षेत्र से एक नेता रहे हैं या समाज सेवक रहे हैं, उन्होंने भी बहुत पहल की इस क्षेत्र को। परंतु जो आज इस क्षेत्र की जो कायाकल्प की है, ये हमारे बड़े भाई श्री श्याम सुंदर सिंह सोन जी, हमारे छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं, इन्होंने इस गाँव की 4 चांद लगा दी है। जब इन्होंने प्रथम बार इस गाँव में ग्राम प्रधान पद की अपनी जिम्मेदारी ली 2014 में, तो इस गांव में कई, इस गांव ऐसे था जैसे अनाथ बच्चा होता है, उस तरह इस गांव की दीन दशा थी। जैसे एक बना अनाथ बच्चे की हालत होती उसी तरह इस गांव की भी दीन दशा थी। इस गांव में न पानी था पीने के लिए स्वच्छ पर्याप्त मात्रा में, न हॉस्पिटल थे इस गांव में, न आयुर्वेदिक चिकित्सालय जरिए बना है। इनके श्यामदा की देन है, हमारे प्रधान जी की देन है, हमारे पूर्व विधायक जी की देन है, अन्य समाज सेवी कार्यकर्ताओं की देन है। और इस क्षेत्र में इंटर कॉलेज के अभाव था, यहाँ से 15-20 किलोमीटर यहाँ के छात्र छात्राएं, नज़दीकी में कमलेश्वर 15-20 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे पैदल जाके रोज़ सुबह आना जाना, आवागमन
प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए कठिनाई होती थी, इस जगह पे इंटर कॉलेज लाभ प्रस्तावित किया और यहाँ से नीचे इसी क्षेत्र में पड़ता है हल्दू भोरा और इस रूम सगुन के आज भी बच्चे यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। और इस गांव की जो मेन समस्या थी यहाँ पे पानी और यहाँ पे हॉस्पिटल, इन जगहों पे इन्होंने अपने को मेन मुद्दा समझा, इन पे काया इनकी सुधारीकरण किया, इनको व्यवस्थितीकरण किया और इस गाँव की जो रास्ते मार्ग थे आवागमन मार्ग, इनको सुधारीकरण किया। और ऐसे मैं आज इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के इस समस्त युवा प्रधानों को या इस समस्त प्रधानों को एक अपने आप में एक सीख लेनी चाहिए इन युवा प्रेरणा इस प्रधान जी से कि आप इससे भी अच्छा गांव बनाएं, क्योंकि हमारा देश आज विकसित करने की बात करते हैं, आज हमारे देश को आज हम डिजिटल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गांव से डिजिटल की बात जोड़ेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के संदेश को साकार करेंगे। हम गाँव से जब डिजिटल शुरुआत करेंगे तो हमारा क्षेत्र विकास होगा, हमारा शहर विकास होगा। ऐसे नौजवानों की आज पर इस चीज़ में ज़रूरत है और मैं आने वाले समय में समस्त क्षेत्रवासियों से, मेरे पिथौरागढ़ की देवतुल्य जनता से, मेरे भारतवर्ष से ऐसे ग्राम प्रधानों को, ऐसे युवा उभरते हुए को चुने और इस देश के, इस क्षेत्र के कल्याण में भागीदारी बने। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।